बिहार में बहार है, फिर से एक बार नीतीश कुमार है। चाहूं और देखो तो इस सरकार में फैली लूट और भ्रष्टाचार है। सादिया लाइन इन दिनों नीतीश कुमार की सरकार पर सटीक बैठती है। आइए देखते हैं बिहार से हमारे संवाददाता जुबेर अंसारी की ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री का साथ निश्चय योजना मतलब साफ अधिकारियों के लिए सोने की देने वाली अंडा है, क्योंकि वार्ड सदस्य के नाम पर लूट मची। तो आइए बताते हैं कि इस योजना की सच्चाई। जी हाँ, अगर उक्त योजना पर किसी ने भूल से भी निगाह डालनी चाहिए तो वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया ही क्यों ना हो, उसके ऊपर सदस्य से तंगदानी मांगने का मुकदमा थाने में कराया जाता है ताकि सच्चाई सामने ना सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड के अंतर्गत परमानंदपुर पंचायत वार्ड नंबर 6 के सदस्य हाफिज अंसारी, जो कि सदस्य बनने से पूर्व दूध बेचकर किसी तरह गुजारा करता था, लेकिन सदस्य के रूप में नीतीश कुमार का साथ निश्चय योजना इनके खाते में आए 12 लाख से 15 लाख इन्हें पागल बना दिया। शायद जिंदगी का पहला मौका होगा कि इतनी बड़ी रकम देखा होगा। बताते चलें कि सदस्य अंसारी ने विभाग की मिली भगत से दोनों हाथों से लूटा है। 8 इंच ढलाई की जगह 5 इंच ढलाई करना, लोकल बालू का खुलेआम प्रयोग करना। इतना ही नहीं, अंसारी ने सारे नियम और कानून को ताक पर रखते हुए स्वयं के नाम 35,000 रुपए का चेक काट लेना और पत्नी के नाम पर 89,000 का चेक काट कर देना, राशि का बंदर बांट कर देना। हद तो तब हो गई जब एक मीडिया कर्मी ने इसकी जन्म कुंडली खोली तो तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी रचना भारती ने खुद को पाक साफ और सदस्य को बचाने की नियत से 2 लाख रुपए रंगदानी मांगने का केस थाने में मीडिया कर्मी को दर्ज करा दिया। तो मामले में जब मीडिया कर्मी ने खंगाला तो प्रखंड के अधिकारी के पांव तले जमीन खिसकने लगी, मतलब जांच में 2 लाख का केस फर्जी साबित हुआ। सदस्य ने वित्तीय अनियमितता की उसकी माफी मांगी, कुल 1,14,000 रुपए पुनः खाते में वापस की और पूरा का पूरा सिस्टम बचाने और खुद को बचने में जुटे रहे। इसी तरह का मामला अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड स्थित पथराहा पंचायत का है, जहां पर 7 निश्चय के तहत नली गली का ढलाई किया जाना है, जो बिना खो लोकल बालू का और 6 इंच ढलाई की बात कहता है। उक्त कार्यस्थल पर ना तो वार्ड का सदस्य है ना तो विभाग के अधिकारी मौजूद है। इतना ही नहीं, कार्यस्थल पर शिलापट्टी भी नहीं लगी थी। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि उक्त योजना में किस कदर लूट मची है, या तो एकमात्र वानगी है। सुबह में साथी निश्चय योजना की हकीकत है, लूट की छूट सरकार ने दे रखी है। 6 इंची ढलाई हो रहा है, 6 इंची किसने कहा 6 इंची करने के लिए? एस्टिमेट में 6 इंची है, 6 इंची आपको ढालना, ये 6 इंची है। क्या नाम हुआ आपका? काम कौन करवा रहा है? आपको पता भी नहीं है? मसाला कितना का लगा रहे हैं? 3-1। कौन सा सीमेंट दे रहे हैं? बालू कौन सा है? लोकल दोनों मिक्स करके। नमस्कार, आप TV1 इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं जुबेर अंसारी। चलिए, आज हम बिहार के ऐसे जिला में हैं जिसे सबसे पिछड़ा जिला इसे कहा जाता है, उसका नाम है अररिया जिला। भारत नेपाल सीमा पर ये सटा हुआ जिला है, जहां सूबे के मुखिया नीतीश कुमार 7 निश्चय योजना, जल नल योजना, ये योजना अगर पूरी तरह देखा जाए तो ये अधिकारियों, वार्ड सदस्यों और कर्मचारियों के लिए ये उगाही और लूट की योजना है। आज हम अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड पंचायत पथराहा वार्ड नंबर 4 में मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं कि यहां 7 निश्चय योजना के तहत ये सड़क की ढलाई हो रही है। और जो सफ़ेद बालू से आलम ये है कि यहाँ न तो विभाग के कोई अधिकारी है जिससे ये पूछा जाए कि भाई आपने योजना शुरू की, न तो बोर्ड लगा हुआ है। इससे सहज अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि 7 निश्चय योजना ये योजना लूट की योजना है, जो आप देख सकते हैं। TV1 इंडिया न्यूज के लिए जुबैर अंसारी की रिपोर्ट, बिहार। शुक्रवार के दिन मझोलिया पंचायत के वार्ड नंबर 5 के विद्युत उपभोक्ताओं ने विद्युत कटौती, जर्जर तार व लो वोल्टेज के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके दौरान विद्युत विभाग मुदाबाद के नारे भी लगाए गए।
मंझोलिया मुखिया नील बैठा के आश्वासन पर आक्रोशित उपभोक्ता घर गए। मुखिया ने बताया कि वार्ड नंबर 5 में कुछ उपभोक्ताओं का नवनिर्मित शिकारपुर विद्युत सप्लाई होता है। शेष उपभोक्ताओं का माधोपुर सब स्टेशन का सर्विस अनियंत्रित है। माधोपुर विद्युत सब स्टेशन का 24 घंटे में लगभग 10 घंटा मुश्किल से सप्लाई करता है, जिससे प्रखंड स्थित TPS का कार्य भी बाधित रहता है। आप जनता को कौन पूछे, विद्युत के जेई रविंद्र कुमार रजक का फोन लगता है तो लेकिन उठता नहीं, फिर भी लोगों को केवल आश्वासन ही दिया जाता है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए मनीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बेतिया बिहार। प्रखंड के अंतर्गत राजकीय उच्चमित मध्य विद्यालय बजरा के अतिक्रमण की गई जमीन को खाली कराया जाएगा। इस आशय की जानकारी देते हुए CEO यह वीडियो राजीव रंजन कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आधे दर्जन ग्रामीणों द्वारा विद्यालय की जमीन को अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे विद्यालय परिसर में वर्षा होने पर जल जमाव हो जाता है। विदित हो कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक संजीव कुमार यादव द्वारा CEO सा वीडियो से विद्यालय के अतिक्रमण की गई जमीन को खाली कराने हेतु आवेदन दिया गया था। CEO ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सहोदरा पुलिस बल के साथ विद्यालय पहुंचकर अतिक्रमण की गई जमीन का जायजा लिया। कहा कि अतिक्रमण की गई जमीन को जल्द से जल्द खाली कराया जाएगा। TV1 इंडिया न्यूज के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट, गौनाहा, बेतिया। एक पिता अपने बेटे के भविष्य को बनाने के लिए न जाने अपने ऊपर कितना सितम झेलता है और इस उम्मीद में जीता है कि वह बड़ा होकर उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मगर आज इस कलयुग में बेटा कल का सहारा बनना तो दूर, संपत्ति के लालच में पिता की हत्या करने पर उतारू रहता है। ऐसा ही एक मामला बिहार शरीफ के खैराबाद मोहल्ला का है, जहाँ पर लाली यादव नामक पुत्र अपने पिता मिथिलेश यादव को हत्या करने के लिए एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस लेकर पहुँचा था। मगर समय रहते ही इस बात की जानकारी बिहार थाना पुलिस को मिल गई और पुलिस ने खैराबाद पहुंचकर हैवान बेटा लाली यादव को हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी ने बताया कि उसके ऊपर बाजार का 4 लाख रुपए कर्ज, जिसे चुकता करने के लिए वो अपने पिता को जमीन बेचने के लिए बोल रहा था, मगर पिता जमीन बेचने के लिए तैयार नहीं हुआ तो उसने यह कदम उठाया। गोली मार रहा है बाप को? मार रहे थे नहीं जी सर, डरा रहे थे। मेरा पर कर्जा था 4 लाख रुपया, तो मैं बोल रहा था कि आधा कट्ठा दे दो मेरा जमीन, अपना 2 भाई के जमीन छोड़ दीजिए, उसका बाद हम ऐसा गलती दोबारा नहीं करेंगे। बाप बोला कि लाइन में कट जाओ चाहे दावा खा जाओ, गेहूँ बोला मगर हम जमीन नहीं बेच सकते हैं। किसी के चलते डराने लगी, लाए थे आओ किसी बात हम नहीं कुछ बात। क्या लाए थे डराने के लिए? इसी से काम होने होगा। क्या चीज लाए थे डराने के लिए? पिस्टल लाए। इतना गोली लाया था मारने के लिए? जी नहीं, डराने के लिए। क्या नाम हुआ तुम्हारा? लाली यादव। घर कहाँ हुआ? खैराबाद। पिताजी का नाम क्या है? मिथिलेश यादव। कर्जा किस चीज के लिए लिया था? कर्जा लिए थे सर, बाल बच्चा था तो घर में नहीं कमाने के लिए कुछ देता था, तो लिए थे गाड़ी लेने के लिए। TV1 इंडिया न्यूज के लिए मिथुन कुमार की रिपोर्ट, नालंदा, बिहार। हिंदू धर्म में श्रावण मास का बहुत बड़ा महत्व है, यह बहुत ही पवित्र माना गया है। शास्त्रों में भी श्रावण मास को काफी महत्व दिया गया है। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है, जिसको लेकर गंगा जल का काफी मात्रा में इस्तेमाल भी करते हैं। इसी श्रावणी मास में भोले शंकर की पूजा का विशेष महत्व दिया जाता है। यह हिंदू पंचांग का 5वां महीना है, जिसे सावन के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल सावन का महीना भगवान शंकर को काफी पसंद है, इसलिए भक्तजन इस महीने में व्रत रखते हैं। इस महीने में सावन स्नान की परंपरा है, जिसे पिछले कई दशकों से लोग निभाते हुए चले आ रहे हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा के दौरान बेलपत्र से पूजा अर्चना की जाती है और जल चढ़ाया जाता है। इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखकर बिहार शरीफ मुख्य डाकघर में कांवरियों के लिए डाक विभाग के द्वारा एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई। डाकघर के पोस्ट मास्टर नरोत्तम कुमार ने बताया कि हर बार कांवरियों को सुल्तानपुर से गंगा जल भरकर देवघर और अशोक धाम जैसे शिवालयों में जाकर जल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त होता था, लेकिन इस बार कांवरियों की विशेष मांग को देखते हुए डाक विभाग के द्वारा ऋषिकेश का गंगा जल मंगवाया गया है, जो हर डाकघर में उपलब्ध करवाया गया है, जो मात्र 250 मिलीमीटर में जिसकी कीमत मात्र 30 रुपए रखी गई है। इस अनोखी पहल की शुरुआत को देखते हुए कांवरियों ने इस समय इस बात को लेकर खासा उत्साह देखा गया है, क्योंकि उन्हें महज 30 रुपए में ऋषिकेश का गंगा जल आसानी से बिहार शरीफ के घर में उपलब्ध मिलेगा। उन्होंने बताया कि सोमवार के दिन ही शहरी क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों के पास विभाग के द्वारा काउंटर लगाकर लोगों के बीच गंगा जल का वितरण सरकारी दर पर किया जाएगा, क्योंकि सोमवार के दिन ही हर शिवालयों में कांवरियों एवं स्थानीय श्रद्धालुओं की खासी भीड़ होती है। स्पेशल गंगा जल मंगवाया गया है कि किसी भी लोग को बाहर से न जाना पड़े,
हम लोग जगह जगह मंदिर के पास सोमवार के सोमवार कैंप भी लगाएंगे, ताकि सोमवार के दिन जो गंगा जल इन लोग को दूर से लाना पड़ता था, डाकघर के माध्यम से 30 रुपया में उपलब्ध है, 250 ml का बोतल है, 30 रुपया में ऋषिकेश का गंगा जल यहाँ मिल रहा है। सभी श्रद्धालु जो भी हैं, जो मंदिर जाते हैं, सोमवार के सावन का महीना है, जल चढ़ाते हैं, उनके लिए बहुत ही सुविधाजनक व्यवस्था है। हर मंदिर के पास हम लोग का टारगेट है सोमवार के सोमवार कैंप लगाने का, और पहली सोमवार से ही जैसे धनेश्वर घाट मंदिर फेमस मंदिर है शहर का, वहाँ पे कैंप लगेगा सुबह 6 बजे से, ताकि लोगों को सुविधा हो सके। TV1 इंडिया न्यूज के लिए मिथुन कुमार की रिपोर्ट, नालंदा बिहार। समस्तीपुर रेलवे यांत्रिक कारखाना के मुख्य द्वार पर SC/ST यूनियन के सभी कर्मचारियों ने रेल में हो रहे निजीकरण का घोर विरोध किया है और केंद्र को इस फैसले को वापस लेने की अपील की है। यूनियन के नेताओं ने कहा कि भारत में अगर सबसे ज्यादा रोजगार देती है तो वह रेलवे देती है, ये भारत की लाइफलाइन है, इसे किसी भी हाल में निजीकरण होने नहीं देंगे। जब से मोदी सरकार बनी है तब से देश में बेरोजगारी की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और जो भी सरकारी संयंत्र हैं जैसे कि सेल, भेल, गेल, BSNL और रेलवे को निजीकरण पर तुले हुए हैं। सभी विभाग बेच देंगे तो फिर देश में बचेगा क्या? देश की जनता में विकास कहां से होगा? रोजगार, सुरक्षा, अमन, शांति के लिए भाजपा की सरकार को चुना गया था, लेकिन फिर से भारी बहुमत से जिताई गई थी, तो वहीं पर मोदी सरकार का फर्ज बनता है कि जनता के विश्वास और भरोसे पर खरा उतरे और निगमीकरण की सोच को आपस में लें। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सारी बातें बताए, ये है कि आज निजीकरण, हम नौकरी देंगे, हम बेरोजगारों को नौकरी देंगे, आगे बढ़ाएंगे, और दूसरी ओर निजीकरण तेजी से हो रहा है। यह बजट जो आज वित्त मंत्री जी ने रखा लोकसभा में, उसमें रेलवे करके खास करके 7 बड़े बड़े फैक्ट्री को, रेलवे के 2 ट्रेनों को निजी में दे देने की घोषणा की, और रेल मंत्री अभी बजट में जो अभी रेल मंत्रालय पर जो बोले हैं कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाएगा, लेकिन रेल में धन जुटाने के लिए, पैसा जुटाने के लिए हमको बड़े बड़े उद्योगपति के हाथों रेल में देना अनिवार्य भी हो। ये क्या हो रहा है? हम प्राइवेट सेक्टर में नहीं भेजेंगे, लेकिन हम बड़े बड़े उद्योगपति को, हम रेल के बड़े बड़े प्रोजेक्ट को उनको हाथों में देंगे, ताकि हम पैसा फंड 5 साल में इतना पुरा लें, इतना करोड़ अरब रुपया, ताकि हम रेल को आगे बढ़ा सकें। प्रियांशु कुमार की रिपोर्ट, समस्तीपुर बिहार। बिहार में बाढ़ का विनाशकारी कहर जारी है। समस्तीपुर जिले के विष्णुपुर में बाढ़ के पानी चोर से भरे होने से 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। इस हादसे में गांव में मातम पसरा है, चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। मृतकों में एक लड़का और 2 लड़की भी शामिल है। मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों की मदद से तीनों के शव को बरामद कर लिया गया। पूरे गाँव में कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि लगभग 3 घंटे पहले ही हरी छपरा में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो चुकी है। दूसरी बड़ी घटना समस्तीपुर जिले की मुफस्सिल थाना इलाके की है, जहाँ पर बिशुनपुर चकनी जाम गांव में खजूरी चौर के पानी में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक बच्चे बकरी चराने गए हुए थे। TV1 इंडिया न्यूज के लिए प्रियांशु कुमार की रिपोर्ट, समस्तीपुर बिहार। जमीन विवाद में हत्या का प्रयास, मामला नालंदा का है, जहां पर जमीन विवाद के कारण एक महिला को उसके ही गोतिया के लोगों ने हत्या की नियत से कुदाल से मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। घटना बागड़बिगहा थाना क्षेत्र के मूसेपुर गांव की है। पुलिस ने जख्मी महिला को इलाज के लिए बिहार शरीफ अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पर महिला का इलाज जारी है। जख्मी महिला के बेटे ने बताया कि 4 डिसमिन जमीन का विवाद चल रहा है, करीबन 20 दिन पूर्व कोर्ट में हम लोगों के हक में फैसला सुनाया गया। फैसला आने के बाद जमीन का घेराबंदी कर रहे थे, उस दौरान कोई मर्द मौजूद नहीं था। इसी बीच कौशलेंद्र यादव, गोरेलाल यादव सहित करीबन आधा दर्जन लोग आ गए और अनीता देवी को लाठी डंडों से पिटाई करने लगे। जब वह बेहोश हो गई, सिर पर कुदाल से वार करके सभी लोग फरार हो गए। इस मामले में बगड़बिगहा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी। मारपीट किया राजेश्वर के लड़का, और मतलब जमीनी विवाद था, मतलब कोर्ट से हमको फैसला हो गया कि कोर्ट से सब कुछ फैसला हो गया, और मतलब मंजोबरी उगली मांगता है समझे ना, तो हम कोर्ट से हमको आदेश हो गया, तो हम अपना जमीन को अति कब्जा कर रहे थे।
हम अपना जमीन को कब्जा कर रहे थे, इसीलिए मतलब मंजूरी उगाली मांगे थे, ये पकड़ा गई थी इसको माता पा अथी लाइसेंस ले लेता था और देसी पिस्तौल ले लेता था और छोटा पिस्तौल ले लेता था और मतलब कि लाठी पहना था। क्या नाम है जी? मेरा नाम रामायण कुमार। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए मिथुन कुमार की रिपोर्ट, नालंदा बिहार।